रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। यहाँ देवशिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम होगा। ये देवशिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंची थी। इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया था। लंबी यात्रा के बाद बीती रात ये अयोध्या पहुंची। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में चार क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। अयोध्या में आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव शिलाओं का पूजन किया गया। आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई। इससे पहले नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला बुधवार की देर रात रामनगरी पहुंची। भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाली इस शिला का रामनगरी में भव्य अभिनंदन किया गया। हाईवे से जैसे ही देर रात शालिग्राम यात्रा ने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। वहीं लोगों ने पुष्प वर्षा की और जमकर आतिशबाजी भी हुई। अयोध्या पहुंचने पर शालिग्राम शिला पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर इस शिला का स्वागत किया।